हेलो, आज का ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जसलीन को मैं बचपन से जानती हूँ। बोलो कैसे? क्योंकि जसलीन के पिता जो केसर मथारू जी हैं, जब मैं नई नई स्ट्रगल करने बॉलीवुड में आई थी तो उन्हीं की फिल्म मैंने करी थी। तो जसलीन को बहुत छोटा मैंने देखा था। फिल्म का नाम था कुछ लफड़ा, और ये लफड़ा ऐसी फिल्म थी, न सी ग्रेड, न बी ग्रेड, डी ग्रेड, बेंचर एल ग्रेड थी वो तो। और ये लफड़ा ऐसी फिल्म थी, न सी ग्रेड, न बी ग्रेड, डी ग्रेड, बेंचर एल ग्रेड थी वो तो, यू नो। तो जसलीन को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अनूप जलोटा जी का ही सहारा था। तो उनसे उन्होंने संगीत सीखा और गुरु के प्रेम में पड़ गई। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जसलीन की ये कहानी है कि वो प्यार में पड़ गई। अनूप जलोटा जी ने सारी जिंदगी भक्ति के गीत गाए, सारी जिंदगी परमेश्वर को, भगवान को प्रसन्न किया, भक्ति के गीत गा गा कर। तो भगवान जो है उनसे प्रसन्न हुए और आशीर्वाद में भगवान ने उनके भक्ति गीत को सुन सुन कर, उनकी भक्ति को देखकर अनूप जलोटा जी को प्रसाद में, आशीर्वाद में जसलीन दी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसीलिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो अनूप जलोटा जी को उनका सच्चा प्यार मिल चुका है, इसलिए वो दोनों बिग बॉस में गए हैं और अपनी जोड़ी को रॉकिंग करने वाले हैं। रॉकिंग, यू अंडरस्टैंड, रॉकिंग। हे दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज मैंने बिग बॉस देखा है और ये कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्द अनूप जलोटा जी जसलीन को खो बैठेंगे। बिल्कुल, सुशांत मैरिड है, करण वोरा मैरिड है, एक बॉडी बिल्डर लड़का है अंदर, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। मुझे लगता है बहुत जल्द इन तीनों में से कोई एक जसलीन को पटा लेगा और अनूप जलोटा जी दिखते रह जाएंगे, उनके हाथ से उनका माल निकल जाएगा, दूसरा कोई ले लेगा और अनूप जलोटा जी भजन गाते रह जाएंगे। जय हो।